हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जियों के राजा आलू से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा करारा नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल में। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे दिल भर के खाइए, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम इसमें ऐसी ऐसी हेल्दी चीजें ऐड करेंगे जो हर किचन में आसानी से मिल जाती है और खाने में सुपर टेस्टी होने के साथ साथ सुपर क्रिस्पी भी होगा, चटपटा भी होगा, कुरकुरा भी होगा। बहुत सारी खासियत हो गई, बहुत सारी तारीफ हो गई, अब फटाफट बनाना शुरू करते। तो इसके लिए मेरे लिए है दो आलू। दो आलू काफी है, लेकिन मेरा जो आलू है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आलू है। अगर आपके छोटे छोटे आलू है, आप चार आलू ले लेना, काफी होगा। और ये वेट ने मुश्किल से हमारा 100 ग्राम है, 50 50 ग्राम का दो आलू मैंने लिया है, जिसको मैंने बॉईल करके फ्रिज में लगा दिया था। फ्रिज में लगाने की वजह से ये ठंडे हो चुके हैं, और ठंडे आलू को जब आप छीलते हैं तो भी टाइम की बचत हो जाती है, फटाफट इसकी स्किन यानी छिलका निकल जाता है। और दूसरी बात, आलू का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। आलू में जो स्टार्च होता है, जो आलू को बहुत ज्यादा चिपचिपा बनाता है, ठंडा करने पर वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अब हम फटाफट इसको इस तरह से छील लेंगे। तो चलिए हम फटाफट छील लेते हैं दोनों आलू को, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड, दोनों आलू को मैंने छील लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे कद्दूकस करेंगे। मैश नहीं करना है, तो ये जो मोटा वाला ग्रेटर होता है इसे हम ग्रेट करेंगे, ताकि हमें लंबे लंबे लच्छे मिले। तो चलिए फटाफट हमने आलू को ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे लच्छे हमें निकालने हैं, और आपको मैश नहीं करना है, मैश करने में गुठलियां रह जाती है। इस तरह से आप ग्रेट कर लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से लच्छे हमें मिल गए हैं, और कितने बढ़िया खिले खिले से लच्छे हैं। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ, बिना टाइम को बर्बाद किए आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रखा है या कढ़ाई, आप जो भी ले लीजिए। तो मैंने कढ़ाई ली है, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तक तेल, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे। इसे अच्छे से हीट कर लेंगे, बिल्कुल धुआंदार। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे पिंच भर हींग, और हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद, हींग के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज जाएगी, वो है हमारा एक चम्मच तक जीरा, और एक बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, और इसको हम अच्छे से तड़कने देंगे 3 से 4 सेकेंड। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज वो हमारी जाएगी, वो क्या है आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो जीरा होगा उसको हमको जलाना नहीं है, धीमी धीमी आंच पर पकाना है। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे, मोटा महीन जैसा ही बेसन हो आप डाल देना, और बेसन को हम धीमी धीमी आंच पर 10 सेकंड तक भून लेंगे, ताकि बेसन में से कच्चापन दूर हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो बेसन आपको इस रेसिपी में सिर्फ 2 चम्मच डालना है, अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपका 1 चम्मच। तो बेसन का कच्चापन बिल्कुल अच्छे से दूर करना है, और इस तरह से जब बिल्कुल बेसन झाग छोड़ने लगता है तो समझ जाइए आपका बेसन हो गया है। और बेसन को भूनते समय आपको जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहीं चले जाएंगे तो बेसन को जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा बेसन में बबल पड़ने लगा है। अब इसके बाद जो हमारा आलू था वो हम डालेंगे सारा का सारा। तो फ्रेंड जब हम अब आलू डालेंगे तो बेसन हमारी आलू की सारी नमी को सोख लेगा, और बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा आपकी रेसिपी में। 2 चम्मच बेसन डालना है बस। अब इसमें हम धीमी धीमी आंच पर बढ़िया तरीके से भूनेंगे, ताकि बेसन की जो खुशबू है वो हमारे आलू के अंदर भी अच्छे से मिल जाए, और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारे आलू में भी आ जाए। तो हमने कोई भी मसाले और नमक वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ हमने बेसन को आलू के साथ मिलाया है, और इसे हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। इसमें भुनाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो आपको भूनना बहुत ही अच्छे से है, तभी आपका जो नाश्ता है वो बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल बनेगा और सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच पर हमने 1 से 2 मिनट तक आलू को अच्छे से बेसन के साथ मिला लिया है और भून लिया है। और दोनों चीजें जब अच्छे से मिलने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक। अगर आप पहले नमक डालते तो नमक अपना पानी छोड़ देता, और आलू के साथ मिलने के बाद अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसीलिए अब हमने नमक को लास्ट में ऐड करना है, यानी भुनाई करने के बाद। तो ये गया हमारा नमक, जितना नमक आप लोग खाते हैं, मैंने 1 चम्मच डाला है क्योंकि मुझे ज्यादा नमक पसंद नहीं है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो पिसी भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच तक टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, बहुत ज्यादा हल्दी नहीं जाएगी इसके अंदर। अब हम वापस से इसको मिला लेंगे, और हल्दी का कच्चापन भूनने के लिए हमें इसे भूनना है, यानी दूर करने के लिए इसे भूनना है। अब अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल लेना, लेकिन कुछ जरूर डालना, इससे बहुत ही ज्यादा चटपटा फ्लेवर आएगा। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, बहुत कम गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है, सिर्फ 1/4 चम्मच डाला है। तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, और ना ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो पूरे पूरे वेजिटेरियन हैं,
और बहुत बड़े वाले वेजिटेरियन हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैडम आप ऐसा कुछ बनाइए जिसमें आप लहसुन प्याज कुछ भी ना डालें, अदरक। तो मैंने उनकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए इस रेसिपी को तैयार किया है। और मेरे चैनल पर ऐसी भी रेसिपियाँ बहुत सारी उपलब्ध हैं जो लहसुन प्याज और अदरक से भरपूर हैं, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग खाते हैं। मैं पर्सनल लाइफ में खा लेती हूँ, लेकिन मैं लहसुन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले खाते हैं इसीलिए मैं ऐड करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमने भून लिया है। लास्ट में हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो क्या है आपको बताएंगे। तो फ्रेंड लास्ट में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो मैं इसको पहले कस्तूरी बोलती थी, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि मैडम आप गलत बोलती हैं, आप गलत बोल रही हैं, और उन्होंने मुझे लिख के बताया तो मैंने इसको सही किया। तो आप सब लोग कुछ भी गलत देखा कीजिए तो उसका बता दिया कीजिए कि ऐसा गलत हुआ है, आपने गलत बोला है, तो उसको यानी मैं सही कर सकूं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबको कुछ ना कुछ गलतियां करने की आदत होती है, तो गलतियों को सुधारने वाला इंसान ही महान होता है। तो मैंने सुधारा है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का काम करेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से ट्रांसफर कर लिया है, जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे, इसको हम वेट कर नहीं करेंगे लेके। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे जो टिप एंड ट्रिक के साथ शेयर करेंगे, तो वैसा ही करना, कुछ भी अपनी तरफ से मत ऐड करना, नहीं तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी, मैं पहले से बता दे रही हूँ। फिर आप लोग मुझे मत ब्लेम करना कि आपने ऐसे बनाया था मेरा नहीं बना। तो जिसका कारण ये है कि इस रेसिपी में मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है, आगे का स्टेप बहुत ही केयरफुली देखना और फॉलो करना। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया, उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट का आटा यूज कर लीजिएगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इन्हीं दोनों के साथ काम करना है अगर आपको इस रेसिपी को बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे 6 चम्मच मैदा। तो 4 चम्मच हमारा कॉर्नफ्लोर था और उसका हमने थोड़ा सा ज्यादा यानी 6 चम्मच लिया है मैदा। मैदे को छान के लेना है, कॉर्नफ्लोर को भी छान के लेना है, दोनों चीजों को हमें छान के लेना है। अब इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज आएगी इसके अंदर, मिल्क यानी दूध। ये पानी से नहीं बनेगा बैटर हमारा, ये दूध से बनेगा। दूध जो होना चाहिए फुल क्रीम वाला होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आप लोग दूध को थोड़ा सा ज्यादा पका लेना ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और ये रूम टेम्परेचर का है, ना ठंडा ना गर्म। और इसको हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम इसे इस तरह से हाथों से मिक्स करेंगे, और ये काम आपको हाथों से करना है। और इस तरह से बाकी बचा भी दूध डाल देंगे और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी के अंदर पानी नहीं जाएगा, तो मक्खियों ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका क्या इलाज है। मैंने ये देखिए अगरबत्ती भी सुलगा के रखी, आप लोगों को दिखा देते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था आप अगरबत्ती सुलगा के रखिए, तो मैंने रखा था लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमक वाला पोछा भी लगा के मैंने देख लिया, और उसके बाद मुझे जो भी टिप किसी ने दी है मैंने फॉलो की है। अगर आपके पास कोई इसका अच्छा सा इलाज हो तो जरूर बताना। तो इसको हम इतना अच्छे से फेटेंगे कि इसमें से सारी गुठलियां और लम्स निकल जाए और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो जाए। ना इसके अंदर हमें पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही नमक, ना ही इनो, ना ही सोडा, कुछ भी नहीं। बस हम इसकी अच्छे से फिटाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। तो ये काम आपको हाथों से करना है, हाथों से ही इसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट तक एक डायरेक्शन में इसे अच्छे से फेटते जाइए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो जाए। तो अभी स्मूथ नहीं है, इसे हम और फेटेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसे अच्छे से फेट लिया, बिल्कुल स्मूथ सा हो गया। इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए, बिल्कुल रनी होना चाहिए, इस तरह से देखिए बिल्कुल धारदार होना चाहिए। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक कढ़ाई रखी है, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम अच्छे से हीट हो जाएंगे यानी गर्म हो जाने देंगे। अब इसको हम जब हल्का सा गर्म हो जाएगा इस तरह से पूरे पैन में फैला लेंगे यानी कढ़ाई में, आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। और अब हम इसे बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब तक इस तरीके से हल्का सा गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म हो जाएगा अपने तैयार बटर को हम इस तरह से डालेंगे। और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे, ये देखिए बहुत ही आसान टिप है, ट्रिक है इसे पकाने की, ये देखिए इस तरह से। गैस का जो फ्लेम होगा वो हम थोड़ा सा हाई रखेंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से शेकेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा सा कुरकुरा सा बनकर रेडी हो जाए। अब इसको हम रख देंगे और धीमी धीमी आंच पर 10 सेकंड पकने देंगे। तो फ्रेंड 10 सेकंड हो गए हैं, आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अपने आप साइडों को छोड़ने लगा है। इसकी खासियत यही है कि जब ये पक जाता है तो इस तरीके से अपने आप ये पैन को छोड़ देता है, ये देखिए बहुत ही आसानी से हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से प्रेस करेंगे।
तो देखिए कितना क्रिस्पी और कितना ज्यादा सॉफ्ट ये बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से हम इसको सेकेंगे। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, हल्का सा हाफ कुक पकाना है। और अब इसके बाद जो हमारा ये था ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से अपने हम 2 से 3 स्वीट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका क्या करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह 2 और तैयार करने के बाद आपसे देखिए 3 सीटें मैंने बना ली है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी, आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक साइड से मैंने इसको पकाया है बहुत ही अच्छे से और दूसरा साइड हमने इस तरह से रखा है ताकि इसे हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब हमारा जो पका हुआ साइड है उसको हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारा आलू था मसाले वाला ये अच्छे से हो चुका है। अब इसको हमें यहाँ पे रख लेना है इसके एक सेंटर में और दूसरे सेंटर को हम इस तरह से इसको लॉक करेंगे। तो ये देखिए तो बैटर हमारा जो था वो हम इस तरह से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से और इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे अच्छे से। तो जब आप इसे एक साइड से कच्चा रखेंगे तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसी तरह से ये वाला भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। आप इसे फ्रिज में बनाकर रख दीजिए, जब आपका मन हो या आपके गेस्ट आ जाए आप इसे निकाल कर बना सकते हैं। तो चलते गैस की तरफ, आपको बताते हैं कैसे बनाना है इसे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाई रखी है। अब इसमें हम मात्र 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से हीट हो जाने देंगे यानी गर्म हो जाने देंगे। तो फ्रेंड तेल गर्म हो चुका है, इस तरह से हम अपना नाश्ते को डाल देंगे और इसे हम एक साइड से 2 मिनट तक पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर इसे पकने देंगे, सिकने देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टर्न कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये टर्न हो जाएगा, ये देखिए। और ये देखिए कितना बढ़िया टर्न। अब इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छा सा सेक लेंगे। तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम टर्न करेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है एक साइड से। तो 2 मिनट जो हमें रखा था अब इसको हम 10 सेकंड और रखेंगे ताकि इधर भी अच्छा सा कलर आ जाए उस साइड भी और ये रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड दोनों साइड ये रेडी हो चुका है, अब हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस साइड से भी कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह अपने दूसरे वाले भी बनाकर आपको लास्ट में दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा डियर। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, देख लीजिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ जिसे हमने बनाया है मूंगफली और नारियल के साथ। बहुत ही अमेजिंग चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर दूंगी। और ये देखिए हमारे नाश्ते का फाइनल लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। और अंदर से बहुत ज़्यादा मसालेदार है, चटपटा है। तो आप इसे किसके साथ खाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये देखिए इसका रिजल्ट फाइनल वाला कितना बढ़िया लग रहा है और इसे आप इस चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसे चाय के साथ खाना चाहते हैं तो चाय के साथ खा सकते हैं और आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी ये चटनी है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और इस नाश्ते को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।